मुझे जाने दो। आना। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दूँ, छोड़ दूँगा। ना ना, जब तूफान थम जाएगा।
बोलो क्या हुआ? अपनी इज्जत का जनाजा अपने हाथों पर उठाकर इंसाफ मांगने आया हूँ। तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, बोलो। एक तालिम दरिंदे ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है। किसने किया है ये जुल्म? तालिम का नाम पर आपके इंसाफ के कदम तक बगा तो नहीं जाएंगे। उस सालिम का नाम बताओ। वो तुम्हारा भाई शमशेर है। बस बस, समझ गया हूं। मुंशेख, इसको 200 रुपए कफन के लिए दे दो। जो हुक्म हो खान। मैं पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं बड़े खान। इंसाफ तो हो गया, जो इंसाफ मुझे तुम्हारी बेटी से करना था वो इंसाफ उसने खुद अपने साथ कर लिया है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, अगर पैसे चाहिए तो ले लो वरना जाओ। बेचकर कफन खरीद के नहीं आया, अगर मुझे यहाँ से इंसाफ न मिला तो मैं अपना इंसाफ खुदा पर छोड़ दूंगा। शमशेर खान। जी लाला जी। ये क्या मजाक बना रखा है? लोग यहाँ फरियाद लेकर आते हैं और मेरा वक्त आया कर बेशक ऐश इशरत हम जैसे लोगों का काम है। हमें चाहिए कि हम हर काम सोच और सियासत से करें। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा लाला जी। और हाँ, मीराबाद के किसानों ने फसलें काट ली हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है लाला? जाओ और उन लोगों से लगान वसूल करो। जाओ। बहुत अच्छा लाला। बन कर आई जवानी चीज
कर जाए। जवानी चीज ऐसी है, जवानी चीज ऐसी है, जागे और जगाए, जागे और जगाए, जवानी चीज ऐसी है। आफत बन कर आए, जवानी चीज ऐसी है, जवानी चीज ऐसी है। कौन है ये? और ये लगाम नहीं देता। खान, इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हुई, और फिर मेरे पास तो दवा के लिए पैसे नहीं है, लगान कहाँ से दूं खान, कहाँ से दूं? गोरे चमड़े तो है ना तुम्हारे पास, खा लो, उतार लो इसकी, ताकि आइंदा किसी को हमारा लगान ना देने की जरूरत ना हो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो खान, माफ कर दो मुझे। फिर जाओ। ये मेरी बेटी है कौन? अच्छी है। खुदा के लिए खान, मेरे बाबा को माफ कर दो, मैं तुम्हारे घर का काम करके तुम्हारा लगान पूरा करूंगी। अच्छी बात है, तुम हमारी हवेली में आकर हमारा काम करो और हम तुम्हारा लगान माफ कर देंगे। आ, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, तुम हवेली में मत जाना, वो इंसान नहीं शैतान है, शैतान। बाबा, तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत अच्छी तरह जानती है, अच्छी तरह जानती है। आओ आओ, घबराने की जरूरत नहीं, आओ करीब आओ। मुझे करना क्या होगा? क्या क्या कर सकती हो? कपड़े धो सकती हूँ, खाना पका सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये काम तो हमारी नौकरानियां भी कर सकती हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? हमारा दिल बहलाना होगा। शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन की बराबर हूँ। मेरी कोई बहन नहीं। मैं इस गांव की इज्जत हूँ। मैं इस गांव का मालिक हूँ। मैं इस गांव की बेटी हूँ। गांव की फसल की तरह गांव की बेटियों में भी हमारा हिस्सा होता है। तो फिर निकाह कर लो मुझसे। एक रात के दुल्हन के लिए निकाह की क्या जरूरत है? अतम नहीं 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 खुदा के लिए मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस जानवर से मुझे बचा लो, खुदा के लिए जानवर से मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। खुदा
कौन है? बुढ़िया, इसे मेरे हवाले कर दो। ये लड़की अब मेरी पनाह में है, तुम इससे मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं कह सकते। छोटे खान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की के साथ ज्यादती करनी भी नहीं चाहिए। अब तो तुम नहीं देख सकोगी ना। ये क्या हो गया माँ, ये क्या होगा? मेरे रास्ते से हट जाओ शरीफ खान, हट जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं छोटा खान हूँ? छोटा खान, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तुम खान नहीं, शैतान हो, जानवर हो। हाँ, मैं जानवर हूँ, जानवर। लेकिन तुम क्या चाहते हो? अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। खून मेरे बेटे ने किया है, देख सकते हो तो देखो। तुम्हारे शीशे के घर की तरफ पहला पत्थर हमने मारा है। अगर सुन सकते हो तो सुनो, तुम्हारे जुल्म के खिलाफ पहली आवाज भी हमने उठाई है। बकवास बंद करो। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूं, लेकिन नहीं, इस तरह मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। तुमने मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं, अब मैं तुम्हारे वजूद पर जख्म लगाऊंगा, वो भी साल बसाल। जब भी तुम्हारा बेटा मेरे भाई की उम्र को पहुंचेगा, वो दिन तुम्हारी जिंदगी और मेरे इंतकाम का आखिरी दिन होगा। ले जाओ इन्हें और संतान में कैद कर दो, इनके घरों को आग लगा दो। ले जाओ। तुम अपने जुल्म की इब्तिदा करो, हम अपने सबर की इंतहा करेंगे। लेकिन याद रखो जाबर खान, तुम्हारे जुल्म की एक काली रात एक न एक दिन जरूर खत्म होगी, और फिर अमन का सूरज तुलू होगा, और जरूर तुलू होगा, जरूर तुलू होगा, जरूर तुलू होगा। शमशेर खान, मुझे कसम है तुम्हारे खून की कि मैं तुम्हारे कातिलों से
तुम्हारे खून के एक एक कतरे का इंसाफ लूंगा। रुक जाओ बेटे, अभी तुम्हारे बाजू बहुत कमजोर हैं। जिस दिन मैं देखूंगा कि इन बाजू में वो ताकत आ गई जो इन जंजीरों को तोड़ सके, मैं तुम्हें खुद जाने की इजाजत दे दूंगा। बाबा, मेरी बाजी मर गई ना बाबा, मेरी बाजी मर गई। हाँ बेटे, तेरी बाजी मर गई। इससे जिंदगी से जिंदगी से इस सच्ची बात को कबूल कर लिया है मेरे बेटे। बाबा, हमारी किताब में तो लिखा है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, तो फिर जागीरदार ने मेरी बाजी को क्यों मार दिया? इसलिए बेटे कि वह आज का फिरौन कह जालिम जागीरदार है ना। बाबा, ये फिरौन कब खत्म होंगे? जब इनके लिए कोई दूसरा मूसा पैदा होगा। बाबा, दूसरा मूसा कब पैदा होगा? जब तुम जवान हो जाओगे, तेरे बाजू फौलाद हो जाएंगे, मैं तेरे हाथों से कलम छीन कर उसमें बंदूक थमा दूंगा और फिर तुम उस बंदूक से सालिम जागीरदारों का खात्मा करोगे। बेटे, आज से मैंने तुम्हारी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है, वक्फ कर दी है। मेरी बुड्ढी, मेरी बुड्ढी। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बेटी तो बहुत होशियार हो गई है, मुंशी बाबा को घोड़ा बना दिया है। बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो मैं तुम्हें खूबसूरत सा घोड़ा लेके दूंगा। अब तुम अंदर जाओ। शाबाश शाबाश। मुंशी जी खान, कल मेरे भाई को मरे हुए 1 साल होने वाला है। जाओ और उसके कातिलों को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हमारी कैद में तुम्हें पूरे 20 बरस हो चुके हैं। अब तुम और तुम्हारी मौत के दरमियान 2 साल का फासला रह गया है। उसके बाद मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो दिन तुम्हारी जिंदगी और मेरे इंतकाम का आखिरी दिन होगा। Yeah!
शक्ल से दिखाई नहीं दे रहा डाकू? मुझे तो इंसान लगते हो, कैसे आए हो? लूटने आया। तो फिर लूटते क्यों नहीं? लूटना मेरा काम है और नमाज का एहतराम करना मेरी इबादत है, समझे? तो फिर आओ, पहले इबादत कर लो फिर लूट लेना। इबादत कर ली तो फिर लूट ना सकूंगा। चाबी निकालो। ये लो चाबी, लूट लो। सुनो, लूटा क्यों नहीं? जो माल कुरान पाक की हिफाजत में पड़ा हो उसे शाबाज नहीं लूटता। खुदा हाफिज। जिस इलाके में शहबाज की दहशत फैली हो वहां के रईस सोया नहीं करते। मेरे पास कुछ नहीं है। और तुम्हारे पास कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, न जिंदगी न दौलत। ठहर जाओ, मुझे मत मारो। मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मुझे मत मारो। जिंदगी कितनी प्यारी है, दौलत का सदका देकर तुमने अपनी जान बचा ली रही जादे। चलो सरदार, बहुत कुछ मिला, चलो चलो। बाबा, आज का डाका कामयाब रहा। मैं सरमादारों का दिल छीन कर ले आया हूं। शाबाश बेटे, शाबाश, शाबाश। शकर खान, तमाम जरूरतमंदों को अंदर भेज दो। नाराज हो, क्या करूं? डाकू का जाना अपने बस में वापस लौट कर आना तकदीर के बस में होता है। देख, मैं ये तेरे लिए क्या लाया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जेवर जिसके साथ गरीबों की आहें और मसलूमों की बद्दुआएं शामिल हो। मैं ये सब कुछ गरीबों से लूट कर नहीं लाया, बल्कि उन सरमादारों से छीन कर लाया हूं जो गरीबों को लूटते हैं। क्यों लूटते हो, क्यों छीनते हो? तुम समझते क्यों नहीं? छोड़ क्यों नहीं देते ये लूटमार? सब कुछ छोड़ दूंगा जब बाबा का मकसद पूरा हो जाएगा। कब आएगा वो दिन? बहुत जल्द मैं ये धंधा छोड़ दूंगा। और हाँ, बाबा ने कहा वो दिन आ गया है। सच? हाँ। तो फिर वादा करो इसके बाद डाके तो नहीं डालोगे ना? वादा है। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बड़े खान। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका खत। पढ़ो क्या लिखा है इसमें। मुबारक हो बड़े खान, गुलनार बीबी शहर से वापस आ रही है। गुलनार शहर से गांव वापस आ रही है जी। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जाओ मुंशी से कहो कि उसके कमरे को साफ करवाए। जाओ जाओ जी। अच्छा। बेटी गुलनार। मीराबाद के जागीरदार की बेटी को हमारा सलाम कबूल हो। कौन हो तुम? शहबाज डाकू। यहाँ किस लिए आए? तुम्हारा इस्तकबाल करने। जिंदगी अजीज है तो वापस चले जाओ। जिंदगी अजीज होती तो काला कफन पहनकर काला धन न लूटता। मैं हुक्म देती हूँ गाड़ी से नीचे उतर जाओ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। और जो कुछ तुमने लूटा है मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा। वो तो मैं खा चुका हूं तेरी आंखों की दो नाली से। अब मैं चाहूं तो तेरा सब कुछ लूट सकता हूं लेकिन नहीं। शहबाज को जो चीज पसंद आए पहले मांगता है, न मिले तो उसे छीन लेता है। यही काफी है, तुम्हारी निशानी रहेगी। खुदा हाफिज। शाबाश डा, पढ़ाया था लूटने। सरदार क्यों, क्या बात? मीराबाद के जागीरदार की बेटी पसंद है, उसे शादी कर लो। गुलनार। हाय जोरदार लड़की मालूम होती है शेरू। शायद तुम जानते नहीं मैं इस इलाके के सबसे बड़े जागीरदार की हो। तो हमें क्या, वो तो लड़की ना। हाँ वो तो लड़की, मगर तुम जैसे मर्दों से निपटना खूब जानते हो। Thank you.
आज तुम लोगों के लिए इतनी ही सजा काफी है। मेरा नाम गुलनार है, मैं जागीरदार की बेटी हूँ। माशाल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत पहुंच आई हैं। और सुभान अल्लाह, आज तो आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा मतलब है कि उल्लू। नहीं नहीं, तुम तो मेरे भाई हो। डैडी आ गई बेटी, सैर कर ली? हाँ, मैंने खूब सैर की है और अब मैं सारी छुट्टियां यही गुजारूंगी। मेरे बाप ने 50 साल तक इस घर का नमक खाया था और अब यूं लगता है कि आप मुझे और नमक खाने नहीं देंगे। अगर आप छुट्टियां यहाँ गुजारेंगी तो फिर मैं छुट्टी कर लेता हूँ। छुट्टी क्यों करोगे, क्या तकलीफ है? कैसे नहीं करूँगा, गुलनार बीबी के सामने तो अनोखी पहलवान भी नहीं ठहर सकता। और मैं तो फिर कागजी मुंशी। बेटी तुम जाके आराम। बहुत अच्छा डैडी। खान बहादुर साहब, राजघाट से एक आदमी आपसे मिलने आया है। अंदर बुलाओ दोनों। देखो सलाम अलैकुम खान बहादुर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? ये खत लाया हूँ। मुंशी ये खत पढ़ो। खान बहादुर साहब, शाहबाज डाकू ने गुलनार बीबी का रिश्ता मांगा है। नहीं, शाहबाज खान की ये जुर्रत, वो एक तरफ तो मुझसे दुश्मनी करता है और दूसरी तरफ मुझसे बेटी का रिश्ता मांगता है। चले जाओ और शाहबाज खान से कह दो, कायंदा अगर उसने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं उसकी जुबान काट दूंगा। खान बहादुर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इस रिश्ते से आपकी पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती है। मैं कहता हूं जाओ। खान बहादुर साहब, आपने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? वो भी सरमायादार, आप भी सरमायादार, वो भी रईस, आप भी रईस, वो भी करोड़पति, आप भी करोड़पति, वो भी खानदानी डाकू, आप भी खानदानी। बंद करो ये बकवास। शाहबाज खान ने हमारे इलाके में डाके डाले और कत्तो गारत का बाजार गर्म किया। ऐसा शख्स हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। हाँ, दुश्मन है। उसने इनकार करके शहबाज के घोड़ों का रुख अपने गांव की तरफ मोड़ दिया है। साथियों, हथियार कमर से बांध लो और घोड़ों पर काठियां डाल दो। आज मैं जाबिर की बेटी को उठा कर लाऊंगा। नहीं शहबाज खान, तुम हर बड़ा काम करने से पहले बाप से इजाजत लिया करते हो। ठीक है डैडी, रिश्ता ठुकरा कर आपने बहुत अच्छा किया। शाहबाज खान बहुत खतरनाक डाकू है। जिस ट्रेन पर मैं आ रही थी उसने उस पर भी हमला किया। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? डैडी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सांप को देखकर रास्ता बदल जाती है। मैं सांप के सर पे पांव रख कर गुजर जाती हूँ। शाबाश गुलनार, आखिर तुम बेटी किसकी हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटे तुम अब आराम करो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। काम डाके मारना और ख्वाब गुलनार से शादी करने के। बाबा, मैं मीराबाद के जागीरदार की बेटी को उठा लाना चाहता हूँ। नहीं बेटे, अगर हम भी दूसरों की बहू बेटियां उठाने लगे तो फिर हम में
और जालिम जागीरदारों में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन ये मेरी जिद है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। जिद हमेशा शैतान ने की है, तुम शैतान ना बनो। मैंने इंसान बनकर उससे रिश्ता मांगा था बाबा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और ये इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इजाजत दो बाबा, मुझे इजाजत दो। सितारों का हिसाब बताता है कि तुम्हारी और गुलनार की शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैं उसे उठाकर जरूर लाऊंगा बाबा। नहीं बेटे, जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है उसके लिए जिद ना करो। लेकिन वो मेरी जिद है। जो काम मैंने तुम्हारे सपोर्ट किया है उसे पूरा करो। जाओ बेटे, जाओ। ये जागीरदार की बेटी कौन है? तुम्हें किसने बताया? जरीना डाकुओं में रहती है, अंधेरों की खबर रखती है। अंधेरे शक को जन्म देते हैं, उजालो में रहा करो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। एक बात पूछो तुमसे। पूछो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अगर तुमसे मोहब्बत न होती तो दुनिया भर के ऐश आराम छोड़कर तुम्हारे पास ना आते। तो फिर अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। शाबाश तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी मोहब्बत की जमानत भी। शाबाश जरीना। कल मेरे भाई शमशेर खान की मौत का 21वां साल है। मुंशी, जश्न का इंतजाम किया है? जश्न का इंतजाम मुकम्मल है खान बहादुर साहब। डैडी, इस दफा जश्न में मैं भी शिरकत करूंगी। क्या कह रही हो गुलनार? तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं, जाओ उसकी तैयारी करो। ओ डैडी, ना तो आप मुझे जागीर की सैर करने देते हैं और ना जश्न में शिरकत करने देते हैं। खान बहादुर साहब, बीबी जी का दिल ना तोड़िए, क्योंकि जागीर इनकी है और ये जागीर की है, मेरा मतलब है। बस बस बस, ठीक है, जश्न देखें, लेकिन सर के लिए अकेली नहीं जाएगी, तुम भी साथ जाओगे, समझे? मैं भी साथ जाऊंगा, खुदा के लिए ये जिम्मेदारी मुझ पर ना सौंपिए खान बहादुर साहब। घोड़े को तो मैं संभाल लूंगा, इस पे लगाम को कौन संभाल। क्या हो, शुरू हो जाओ। देखिए डैडी, मेरे घोड़े का भी जवाब नहीं, मेरे बगैर कोई इस पर काबू नहीं पा सकता। फिर तो चाहिए कि इस घोड़े को कैदियों पर छोड़ दिया जाए ताकि जश्न में और रौनक पैदा हो। अगर ये बात है तो फिर ऐलान किया जाए कि जिस कैदी ने इस घोड़े पर काबू पा लिया उसे आजाद कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, शमालिया
ऐलान करो। एक खुशखबरी सुनो, जिस कैदी ने गुलनार बीवी के घोड़े को काबू कर लिया उसे आजाद कर दिया जाएगा। कैदी अपनी रिहाई के हुक्म का इंतजार कर रहा है। इसे संदान में डाल दो। टेडी, देखते क्या हो, नहीं जाओ इसे। ये बेइंसाफी है, वादा खिलाफी है, इस कैदी को आजाद किया जाए। मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता? ये मेरा खास कैदी है। मगर डैडी, ऐलान में खास आराम का जिक्र नहीं किया गया था। देखो गुलनार, तुम अपने हुक्म से 50 कैदियों को रिहाई तो दिला सकती हो, लेकिन इसे नहीं, क्योंकि ये मेरा जाती मसला है, समझी? क्या नाम है तुम्हारा?
कब से हो यहाँ? जब से होश संभाला है। जुर्म क्या है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। सालिम कौन है? तेरा बाप। पानी लाओ। बीबी जी इजाजत नहीं है। मैं कहती हूँ पानी लाओ। बीबी जी पानी। पानी पियो। नहीं। पानी पियो। नहीं। मैं कहती हूँ पानी पियो। ना। क्या बात है बीबी जी, फ्रूट खाने को जी नहीं चाहता? वैसे मुझे फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। रुको मत मुंशी, वो कहती बहुत मजलूम लगता है, मुझे इस पे बहुत तरस आता है। ना ना ना, तरस वाली बात दिल से निकाल दे बीबी जी, तुम्हारे डैडी बड़े जालिम आदमी हैं। मेरे डैडी जुल्म कर सकते हैं, मगर मेरा दिल जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये क्या गजब कर रही हो? कैदी को फ्रूट खिलाना सख्त मना है। पको मत। जब भी जाती है पराठा खिला के ही जाती है। नहीं खाओ। नहीं। गुस्ताख, छोटी बीवी के साथ गुस्ताखी करता है। ठहरो, इसको सजा मैं खुद दूंगी। लेकिन वो बहादुर भी है, वो मजलूम है, वो रहम के काबिल है, वो मोहब्बत के काबिल है, वो मोहब्बत के काबिल है, वो मोहब्बत के काबिल है। मेरी मजबूरी न देखे
बेटे। डैडी आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे बाबा। तुम जिंदा रहे तो बाबा भी आ जाएंगे। जल्दी करो, चलो। जाओ बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Thank you.
है ये दोनों मर गए। अकबर ने बगावत की है और गुलनार ने गद्दारी। अच्छा हुआ कि दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए। आओ मेरे साथ। ओ लड़की उठो, तुमने मुझे आजाद क्यों करा? इसलिए कि तुम मजलूम हो। अब मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और तालीम ने मुझे जालिमों की मुखालफत सिखाई है। मैंने जब महसूस किया कि मेरा बाप जालिम और तुम मजलूम हो, तो मैंने उस जालिम का साथ छोड़कर हक का बाजू थाम लिया। आप चले मौत से दूर और जिंदगी के करीब। बाबा शाबाश, आगे बेटे, बहुत देर लगा दी तुमने। डाकू का जाना अपने बस में होता है और वापस लौटने तकदीर के बस में होता है। बाबा जिस बेटे के साथ बाप की दुआएं हों उसके रास्ते के अंधेरे भी रोशन रहते हैं। बेटे मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। बाबा वो जरीना का वो बिचारी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। शाबाश बेटे, जरीना मेरे पास मेरे मरहूम दोस्त की अमानत है और एक कमीन अमानत की हिफाजत की जमानत होता है। जरीना के बाप ने मरते वक्त उसे मेरी झोली में डालकर मुझे उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया था, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटे और चाहता हूं कि अब उसकी हिफाजत की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ में दे दूं। मैं समझा नहीं बाबा। मेरा मतलब है तुम दोनों की शादी हो जाए। सुना तुमने बाबा क्या कह रहे थे? हाँ। फिर कब कर रहे हो बाबा के फैसले की तामील? जब मेरा मकसद पूरा हो जाए। मार्का फतह करने के लिए बादशाह को वजीर के मशवरे की जरूरत होती है। मुझे अपना वजीर बना लो। वजीर? कैसा अनाड़ी पल्ले पड़ गया, कुछ समझते ही नहीं। Thank you.
चलो गुलनार, चलिए चलो। बहुत थक गई हूं। क्यों थक गए हो? अभी मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो जानवर? मैं जानवर हूँ। हाँ हाँ, तुम जानवर हो, जानवर हो, जानवर हो। मैंने तुमको मारा है, मुझे मारो, मारो मुझे। इंसान को मारा नहीं जाता, प्यार किया जाता है। प्यार? हाँ हाँ, प्यार किया जाता है। क्या होता है प्यार? प्यार, चलो छोड़ो, आओ चले। क्या बात है? सांप, सांप। इससे डरते हो? ए ये क्या? आओ चले। खूबसूरत चेहरों के सामने बहुत ही कमजोर हूँ। बहुत खूब, लेकिन हमसे क्या चाहते हो? मैं जंगल का जंगली हूँ, तुम्हारी जुबान को नहीं समझता। ये बताओ कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? क्या मतलब? खैर, जो भी लगती है, लड़ाई मार कुटाई से भरपूर लगती है। ये क्या चीज है? ये है लोहे का जंजीर और एक दम आदमी का दम निकाल देता है, समझे? इस दफा तो माफ करता, अगर आइंदा के लिए माफ नहीं करूंगा। मुझे तो ये पागल लगता है। Thank you.
खाओ, खाओ। मैं नहीं खाऊंगी, खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाओ। जंगली जानवर कहीं का, नहीं कहा था तो मत खाओ, भूख लग जाएगा खुद खाएगा। परवाह मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आओ चले, आओ चले। क्या बात है? सैंपल का था। तुम ठीक तो हो रहा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ।
आदमपुर तुम? मैं ही तो हूँ जो तुझे यहाँ पे उठा कर लाया हूँ। पर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम घबराना नहीं, मैं उन जंगलियों में से नहीं हूँ जो तुझे दरख्त से बांध कर आग के शोलों के सामने नाच कर तुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं वो जंगली नहीं हूँ, मैं बासाए पोश आदमखोर हूँ। मैं तुझे अपने दिल की नानी बनाऊंगा। मेरा मतलब यह है कि मैं तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे मेरे जानवर भाई, मेरे दूध की मलाई, मेरे हाथम साई। अरे भाई मैं वो आदमखोर नहीं, मैं तो आदमखोरों का शनाख्ती कार्ड हूँ। मैं अपनी जान बचाने के लिए आदमखोरों के पास कोई ना कोई शक्कर शिकार लेके जाता हूँ। अगर आइंदा तुमने ऐसा काम किया तो इस जंजीर से तुम्हारा गला दबाऊंगा। भाग जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जल्दी जाओ। मैं नफल पढ़ के जाऊंगा। एक हसीना मिली थी, वो भी खून सुखा कर चली गई। जगह 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 बहुत दिनों के बाद इंसानों की शक्लें दिखाई दी हैं। कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये तो सरदार ही बताएगा। ले चलो इनको सरदार के पास, ले चलो। सरदार, सरदार। क्या है? ये हमारे इलाके में आए थे, मैंने पकड़ के आपके पास आया हूँ। गुलनार जागीरदार की बेटी और इस हालत में? शाबाश डाकू। कौन है ये? मैं इसके बाप का कैदी था, इसने मेरी मदद की और मुझे जंदान से भगाया। तुम्हारे आदमी ने पकड़ कर यहाँ लाया। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी ने बाप से गद्दारी की? नहीं, मैंने इंसाफ किया है। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी कदर करते हैं, इसलिए कि हमारी आवाज भी जालिम सरमादारों के खिलाफ है। तुमने हक के लिए कदम उठाया है, छोड़ दो इन्हें। हेलो जरीना, गुलनार को अंदर ले चलो। आओ बहन। बैठो कैदी। तुम कैदी कैसे बने? कैसे बना? तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने बाप को नहीं छुड़ा सका। अगर तुम मेरा थोड़ा सा मदद करोगे तो मैं अपना बाप खुला सकता हूं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, जाओ आराम करो। लोग कहते हैं कि किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता, मैं कहता हूं सब कुछ बदल सकता है। क्या बात है, आज तुम किस्मत और किस्मत के लिखे के चक्कर में कैसे पड़ गए? मैंने बाबा से एक चीज का सवाल किया था, बाबा ने कहा वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, लेकिन बाबा का कॉल झूठा साबित हुआ। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मीराबाद के जागीरदार की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन बाबा ने कहा कि उसके सितारे तुम्हारे सितारों से नहीं मिलते। आज बाबा का कॉल झूठा साबित हुआ, वो सितारा खुद गिरकर मेरी झोली में आ गया। कहीं उस सितारे का नाम गुलनार तो नहीं? गुलनार नहीं, मेरे दिल का करार कहो, करार। ये क्या कह रहे हो शहबाज, शादी का वादा तो तुमने मुझसे किया था, और खाब गुलनार के साथ शादी के देख रहे हो? बस जल गई,
अरे पगली, शादी तो मैं तुमसे करूंगा। और गुलनार? गुलनार से तो मैं उसके बाप के इनकार का बदला ले रहा हूँ। ऐसा जुल्म मत करना शहबाज, गुलनार अकबर खान को प्यार करती है। लेकिन अकबर खान की खातिर मैं अपने इंतकाम का इरादा नहीं बदल सकता। वो हमारे मेहमान है और मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक जायज नहीं। ए, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है मेरी जान, सब कुछ। क्या बात है गुलनार, किस सोच में हो? मेरा बाप बहुत जालिम आदमी है अकबर खान, सोचती हूँ कहीं वो। देखो गुलनार, जो रात खबर में है वो बाहर नहीं है, और फिर शहबाज खान ने मुझसे वादा किया है वो असल भी देगा और आदमियों का इमदाद भी देगा। पराई बंदूक पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा वहम है, देखो ये सब चीज अल्लाह ठीक करेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। जाओ आराम करो, जाओ। मैं ये पूछने के लिए आया था कि तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि बगैर इजाजत किसी के आरामगाह में जाना जुर्म है। ये मेरा अपना डेरा है। लेकिन इस डेरे पे आया मेहमान पराया है। मेहमानों का ख्याल रखना मेजबान का फर्ज होता है। लेकिन उन पे बुरी नजर रखना गुनाह होता है। जरीना, मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूँ, लेकिन अपने जाती मामले में तुम्हें दखल देने का इख्तियार नहीं दे रखा। मगर मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि गुलनार अकबर खान की अमानत है, अगर उसे पता चल गया तो। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं अपने रास्ते की हर दीवार गिरा दूंगा, हर कांटा दूर कर दूंगा। अकबर खान, हम कब तक इस तरह यहाँ पड़े रहेंगे? शहबाज खान ने मुझे इमदाद देने का वादा किया है, जिस वक्त मुझे असला और आदमी देगा मैं जाकर अपने बाप को आजाद कराऊंगा, और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और एक छोटा सा घर बनाएंगे और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। वो वक्त कब आएगा? अभी। कौन थे ये? पता नहीं कौन थे। जो भी थे मेरे इलाके से बचकर नहीं जा सकते। शाहबाज खान, तुम मुझे कब इमदाद दोगे ताकि मैं अपने बाप को आजाद करा सकूं? जब तुम चाहो। मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तुम जाके तैयारी करो, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी करता हूँ। आओ गुलनार। शक्कर खान। जी सरदार। अब तो ये बच गया, लेकिन रास्ते में बचने न पाए। ठीक है? ठीक है सरदार। अब मुझे खुशी से इजाजत दो गुलनार, ताकि मैं जाऊं और अपने बाप को रहा करूं। कैसे तुम्हें अपने आप से जुदा करूं अकबर खान, कैसे करूं? दिल तो मेरा भी नहीं चाहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, ये मेरी गैरत का सवाल है। आओ ना, आओ, आ जाओ, आ जाओ।
शहबाज खान, मैं अपने बाप को रहा करवाने जा रहा हूं और ये अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करता हूं। अगर जिंदा वापस में आ गया तो मैं अपनी अमानत तुमसे ले जाऊंगा, अगर मर गया तो इसका ख्याल रखना। अकबर खान, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अमानत को अपनी जान से भी अजीज रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। खुदा हाफिज। शाबाज खान, तुम्हारे बाप ने अकबर को मार दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। अकबर नहीं मर सकता, अकबर नहीं मर सकता। मेरा दिल गवाही देता है कि वो जिंदा है। तुम फिक्र न करो गुन्ना, अगर अकबर नहीं है मैं तो हूं ना। हाँ, मैं हूं ना। शिकर खान, क्या खबर लाया है? वो अकबर मर गया है। अकबर मर गया या मार दिया गया? क्या मतलब? आईना देखो, तुम्हें अपने चेहरे पे किसी बेगुनाह के खून के छींटे नजर आएंगे। तुमने कोई ये नई बात नहीं की शहबाज, शहंशाह जहांगीर ने भी नूर जहां को पाने के लिए अली कुली खान को मरवा दिया था। आज तुमने भी उसी रवायत को धराया है। मैं अकबर का दुश्मन नहीं हूँ। तुम अकबर की रकीब हो, और रकाबत की आग दुश्मनी की आग से ज्यादा खतरनाक होती है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अगर ये इल्जाम है तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ गया है? ये तो वो झूठ के पाँव नहीं होते। याद रखो, तुम किसी को कैद तो कर सकते हो मगर उसकी रूह को असीर नहीं बना सकते। मैंने किसी को असीर नहीं किया। तो फिर गुलनार को आजाद कर दो। ये नामुमकिन है, मैंने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। ये हिफाजत नहीं, हिरासत है। मैं कहती हूँ गुलनार को आजाद कर दो। दुनिया, अगर इसके बाद एक लफ्ज भी कहा तो याद रखो, मैं डाकू से कातिल बनकर पहला कदम तुम्हारा करूंगा। हाँ। ये तो मेरा जानवर दोस्त है, जख्म मालूम होता है। ये तो जिंदा है, मरहम पट्टी के लिए क्यों ना इसे अपने साथ बस्ती ले जाऊं। होश की बात करो शाबाज, औरत जिंदगी में एक बार और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत करती है। मैंने जिससे मोहब्बत की है उसका नाम अकबर है। अकबर मर चुका है लेकिन उसकी मोहब्बत तो जिंदा है, और मोहब्बत करना इबादत है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जिस चीज को मैं पसंद कर लूं उसे हासिल करना मेरी सिद्ध बन जाती है। Thank you.
अभी तक जिंदा हूं शहबाज खान। मैंने तुम्हें दोस्त समझा और अपनी अमानत तुम्हारे हवाले की, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि जो अमानत पे खयानत करेगा उसकी सजा क्या है। उसकी सजा मौत है, मौत है, मौत। बंद कर दो, छोड़ दो इसे, आजाद कर दो हमें। खुदा के कहर से डरो। तुम लोग और क्या चाहते हो? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आ, मैं तुम्हें अकबर से मिलवाऊं। अकबर? हाँ हाँ अकबर, चलो मेरे साथ, चलो। तुम गुलनार को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना उस वक्त तुम्हें कत्ल कर देगा और इसके साथ जबरदस्ती शादी कर लेगा। जरीना, शहबाज तुम? हाँ मैं। तुम सोच रही थी कि शहबाज सो गया है। बेवकूफ लड़की, डाकू की आंखें हमेशा खुली रहती है। तुम्हारी आंखें खुली होती तो तुम मेरे अरमानों का खून न करते, अकबर के रकीब न बनते, उसकी मोहब्बत के दुश्मन न बनते। इससे पहले कि तुम्हारा गुनाह तुम्हारे लिए अजाब बन जाए, छोड़ दो इन्हें, आजाद कर दो। नहीं, मैं इसे आजाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं इससे शादी करूंगा और उस शादी में तुम नाचोगी। सुबह तक सोच लो कि तुमने मुझसे शादी करनी है कि नहीं। अगर इकरार किया तो अकबर खान की जिंदगी बख्श दी जाएगी, और अगर इनकार किया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। अगर तुम अपनी आंखों के दिए जलते देखना चाहते हो तो इससे कहो कि मुझसे शादी कर ले। ये तो आंखें हैं शहबाज खान, अगर तुम इस सलाखों से मेरे बदन को दाग दाग भी कर लोगे तो
तो खुदा की कसम फिर भी इनकार होगा। अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। शाबाश। देखो गुलनार, इस शैतान की बात कभी नहीं मानना। मैं क्या करूं अकबर खान, ये तुम्हें मार डालेगा। मेरी फिक्र मत करो गुलनार, अगर मैं मर गया तो मेरा प्यार तो जिंदा होगा ना। तुम मर गए तो मेरा क्या होगा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मैं बेगैरती की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इनकार करो गुलनार, इनकार करो। मैं इनकार को इकरार में बदल दूंगा। बंद कर दो इस लड़की को और इसकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करो। जश्न भी मनाओ। है दुनिया, दिल प्यार का मुजरिम है, गुनहगार।
मैं तैयार हूँ। मोम को पिघलते हुए देखा था, लेकिन पत्थर को पिघलते हुए आज पहली बार देखा है। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। आओ, आओ। शाबाश खान, रुक जाओ। बाबा तुम छोड़ दे। तू झूठा निकला, मेरा कौन झूठा निकला, तेरे सितारों का हिसाब गलत निकला। तुम तो कहते थे बाबा ये गुन्नार मेरी किस्मत में नहीं है, देख वो मेरी किस्मत में क्या मेरी बाह में है। तकदीर के साथ मुकाबला करो शाबाश, ये अब भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। छोड़ देते, मैं कहता हूँ छोड़ देते, मतलब खुदा तक कहा तुम है नाजिल हो क्या पिछले जिले। मैं वही करूँगा जो मेरे मन में आए। अगर तुमने अपना इरादा न खुला तो मैं तुम्हारी लाश को कब्र में ला दूंगा। ये क्या करे बाबा, छोड़ दो ये बंदूक। छोड़ नहीं देनी ना बेटी, जो कुत्ता पागल हो जाए उसे मार देना ही बेहतर होता है। नहीं बाबा नहीं, भट्टी में मुसाफिर को गोली नहीं मारी जाती, उन्हें सीधी राह दिखाई जाती है। ये भटक गया है शबाश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इसे छोड़ दो, अपना इरादा बदल दो। दुनिया की कोई ताकत मेरा इरादा नहीं बदल सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे साला, आज गरीबों की इज्जत पर रुकने वाले आप गरीबों के गिरफ्तार तक पहुंच गए। अरे साला, मेरा बेटा को खराब हो गया है, उसे सीधी राह दिखाने, मेरे वालिद सीधी राह दिखाने, या उसे फिर गुलाब करने से पहले फराब कर दे, मेरे वालिद फराब कर दे। माफी मांगनी है तो इस नौजवान से मांगो जिसका तुमने फिर दुखाया है। इससे तो माफी मैं जरूर मांगूंगा, क्योंकि मैंने इसकी मौत का सामान किया और उसने जान की बाजी लगाकर मुझे मौत के मुंह से निकाला। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शहबाज खान, इंसान से गलती होती है। अब मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे बाप को जाबिर खान के पंजे से आजाद कराऊंगा। वो सिर्फ इसी का दुश्मन नहीं बेटे, तुम्हारा भी दुश्मन है। मेरा दुश्मन? हाँ बेटे, उसके भाई ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूट ली थी और उसने मुझे इंसाफ नहीं दिया था। बाबा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? मैं जाबिर से अपनी बहन का बदला लूंगा। जाबिर, शमशेर की मौत को आज पूरे 22 बरस हो गए हैं शरीफ खान। आज तुम्हारे बेटे की मौत का दिन था, लेकिन अफसोस के वो मौत से पहले ही मर गया। आज तुम्हारी मौत से मेरा इंतकाम पूरा होगा और अब मरने में तेरे सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। एक, तीन,
तुम अभी तक जिंदा हो? ये तुम्हारे बदनसीबी है जाफर खान कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। आज तुमने जुल्म की इंतहा की और आज ही तुम्हारे अंजाम का आगाज मैं करूंगा। अपने अंजाम की फिक्र करो पानी कैदी, और तुम्हें खुद क्या खींचता ही है। वो हथियार अभी तक बना नहीं जाबिर खान जो मेरे दोस्त के जिस्म को छू सके। शाबाश डाकू। डाकू डाकू नहीं मलकुल मौत कहो जाबिर, मलकुल मौत जो तुम्हारे एक तरफ अकबर के रूप में और दूसरी तरफ शहबाज के रूप में खड़ी है। ये तो तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए मौत बनते हो या कि मैं तुम्हारे लिए मलकुल मौत बनता हूँ। देखते क्या हो, पकड़े हो नहीं। फिक्र मत करो जानवर दोस्त, तुम्हारा आदम खोर दोस्त आ पहुंचा। Thank you.
की चुरी तुम्हारे हाथ में थी और आज इंसाफ का तराजू मेरे हाथ में है। आज तुम अपने एक एक जुल्म याद करोगे और मैं तुम पर एक एक वार करूंगा। तुमने मेरी मां की आंख लिखा दी थी, आज मैं तुम्हारी आंख लिखा लूंगा। तुमने मेरे बाप की ठान काटी थी, आज मैं तुम्हारी ठंड काटूंगा। अकबर बेटे, बाबा मेरे बेटे,